नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एक और नए कंस्ट्रक्शन अपडेट के वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, खास हम बात करेंगे स्मार्ट वर्ड ऑर्चर्ड सेक्टर 61 की कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर 3.5 BHK की कंस्ट्रक्शन अपडेट कैसा रहने वाला है, ये वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट है जिसकी आप कंस्ट्रक्शन अपडेट जानना चाहते हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर डालना बिल्कुल ना भूलें। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है वो 60 मीटर का रोड जो मेन प्रोजेक्ट के सामने आता है। राइट हैंड साइड की तरफ एक्सटेंशन रोड चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे आगे अपर एक्सटेंशन की तरफ। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये आता है स्मार्ट वर्ड 61 का 3.5 BHK का पूरा एरिया है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 3.5 BHK की यूनिट्स इसके अंदर मिल जाती हैं आपको, 1630 और 1549 स्क्वायर फीट की यूनिट इसके अंदर मिल जाती हैं। डेवलपर के पास बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए गए कनेक्ट कर लीजिएगा। ये आता है वो कमर्शियल जिसके अंदर आप देखेंगे हर महीने मैंने कंस्ट्रक्शन अपडेट के वीडियो दिए हैं और काम जिस तरीके से इन्होंने फिनिशिंग स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं, काफ़ी जल्दी ये लोग कमर्शियल की OC अप्लाई करने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें 3.5 BHK की, तो देखिए आप टेरेस के ऊपर भी कितना अच्छा काम हुआ है। मेरे पुराने वीडियो से अभी के वीडियो के अंदर आप कंपैरिजन करेंगे, B1 से लेके B15 और C1 से लेके C15, उसके पीछे आता है आपका क्लब और ये आपका स्विमिंग पूल और ये ग्रीन एरिया आपको यहाँ मिलता है, इसका डिस्कस भी हम आगे करेंगे वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन टेरेस के ऊपर काफ़ी अच्छा फिनिशिंग का वर्क स्टार्ट हो चुका है। ये क्लब जिसकी मैंने अभी बात करी थी, D5 से लेके D11, D1 से लेके D4, D1 तो कम्प्लीटली बन चुका है। इसके अंदर आपको दोनों साइड की यूनिट बनती नजर आ जाएंगी। इसका मैंने क्लोजली व्यू भी लिया, ये D1 का ही यूनिट है, आप देख पा रहे हैं ऊपर उन्होंने टेरेस बना दिया है प्रॉपर और मार्किंग भी कर दी है। जो ये कह रहे थे ना आपके प्राइवेट एरियाज होंगे जिसकी मार्किंग भी इन्होंने कर दी है। और सैंपल देखिए आप, पूरा का पूरा सैंपल क्या, एक्चुअल अपार्टमेंट बन के तैयार है। और नीचे अगर हम रोड की बात करें तो रोड भी लेबलिंग कर दिया है इन्होंने। ये 9 मीटर का रोड है जो डायरेक्ट अभी यहाँ से मेन रोड की तरफ निकलेगा। तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। कुछ एक फ्रोजन यूनिट्स थी जिसके आप लोग राइट हैंड साइड के अंदर देख पा रहे हैं, बस वही है जो कि ये पहले डिलीवर करेंगे। ऑलमोस्ट 90% इन्वेंट्री यहाँ की डिलीवर कर देंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये है वो आपका क्लब हाउस जिसके अंदर अभी कांच का फसाद लगना बाकी है, जो स्टाइलिंग होनी अभी इसकी बाकी है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऐसा दिखता है हमारा क्लब एरिए के अलावा ओपन जो हमारी एमिनिटीज़ रहेंगी उसके लिए, ये प्रॉपर स्विमिंग पूल है, किड्स के लिए भी स्विमिंग पूल है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर थोड़े बड़े लोगों के लिए स्विमिंग पूल है। और जब ये बन के आएगा ना, पूरी फिनिशिंग होगी, तब आप देख के बोलेंगे बहुत ही प्यारा बना रखा है। और साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो ब्लॉक्स आता है, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग कर दी है, पूरा इवन पेंट हो चुका है, बाहर के ग्लासेस लग चुके हैं। तो बहुत जल्दी इन पर्टिकुलर यूनिट्स की डिलीवरीज आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। मैंने बहुत नीचे करके ड्रोन उड़ाया दोस्तों, इससे पहले इतने नीचे मैं कभी नहीं लिखेगा, मुझे हमेशा डर लगा रहता था, पर क्योंकि क्रेन थी उस समय पे, अब क्रेन्स नहीं है। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक की। जो ब्लॉक स्टार्ट होता है कमर्शियल से बिल्कुल एकदम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, अगर आप इधर से जाएंगे स्टेट, ये नंबर आता है A1 से लेके A9 कम्प्लीटली काम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ सारी टेरेस तक का सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है, इवन टेरेस भी बन चुकी हैं, तो खाली और खाली फिनिशिंग वर्क चालू है। अंदर की तरफ फिनिशिंग हो रही है कुछ अपार्टमेंट्स की। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर डेवलपर के पास अभी भी कुछ यूनिट आती हैं मात्र 35 लाख रुपए देके, बाकी का पैसा आपको पोजीशन पे देना है। इससे बढ़िया पेमेंट प्लान मैंने तो नहीं देखा आज तक कहीं पर। और बहुत अच्छा रेट मिल जाता है डेवलपर से, 15,000 रुपीज़ का रेट की वर्किंग मैं आपके लिए कर सकता हूँ। 16,500 का रेट है पर मैं आपको 15,000 में चीज़ दिला सकता हूँ। F1 से लेके 30, E1 से लेके 30 और A10 से लेके 36, जिसके अंदर F1 से 30 वाला जो आप देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ब्लू कलर का, अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग का काम भी हो गया है टेरेस के ऊपर, काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के ऊपर इधर वाटर प्रूफिंग का काम हो चुका है। उसी के बिल्कुल डायगोनली जो बैक साइड के अंदर आता है उसके अंदर भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स हैं जिसके ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम अच्छे से हो चुका है। ये 10 ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ब्लॉक दो ब्लॉक को मिला के एक पूरा का पूरा बॉक्स इन्होंने बनाया है।
और कुछ एक यूनिट है जिसका खाली अभी टंकी का काम होना बाकी है। तो ये रोड्स आप देख रहे हैं किस तरीके से लेबलिंग कर चुके हैं, रोड्स पूरी सारी चीज़ें आके इन्होंने रखी हुई हैं। और ये वो पीछे वाली यूनिट्स हैं जिसके ऊपर अभी जो फ्रोजन यूनिट्स थी। इसके अंदर भी ऑप्शंस मेरे पास मिल जाते हैं, ग्रीन फेसिंग यूनिट्स के भी ऑप्शंस मेरे पास मिल जाते हैं। ये वो ब्लॉक आता है आपका जो कि आपका बाद में डिलीवर होगा। और अगर आप लोगों की लोन से लेके कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको घर बैठे बैठे उसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा देगी। ये वो यूनिट्स हैं जिसका ऑलमोस्ट अभी आप देखोगे मेरे 2-3 वीडियोस मैंने पुराने बनाए हैं, उस वीडियो में और इस वीडियो में काफ़ी अच्छा काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इवन एक तो इन्होंने टावर ऐसा है जो बहुत तेज़ी से बना दिया, आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पुराने वीडियो के अंदर मैंने लास्ट टाइम जब लिया था तब कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ पर इन्होंने चारों के चारों सुपर स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ रहा है, यस यू हैड इट राइट, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ये कॉर्नर का ऑड यूनिट था इन्होंने बना के कम्प्लीटली तैयार कर दिया है। इसी के बगल में प्रॉपर ग्रीन बनाएंगे और यहाँ पर भी सामने भी ग्रीन बनाने की कुछ तैयारी है। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है यूनिट, यस, इस पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% यूनिट्स की टॉप डल चुके हैं, प्रॉपर वाटरप्रूफिंग हो चुकी है। इट मींस इसका ओसी जल्दी अप्लाई होने वाला है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ओसी इसका जल्दी अप्लाई होने वाला है। तो आपके ड्रीम होम आपको मिलने वाले हैं G18 से G1, G19 से G1, H1, H19 से H1 और I1 से लेके I30 तक की यूनिट्स हैं जो इन्होंने बना के तैयार कर दी हैं। तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर देखने को मिला है। टेरेस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे थे उन्होंने वाटरप्रूफिंग कर दी है। ये सामने रोड आया था 60 मीटर का जो मैंने आपको दिखाया था, ये रनिंग रोड है, इसी के सामने लैंड परचेस किया है ओबेरॉय रियल्टी ने जो कि मुंबई बेस्ड डेवलपर है और पहला प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। रेट आएंगे 32,000 रुपये के दोस्तों, तैयार रहना, वो भी एक अल्ट्रा लग्जरी मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट लेके आने वाले इस लोकेशन के ऊपर। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ जाता है कॉन्स्टेंटाइन का ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार है, महिंद्रा लुमिनियर, और ये है वो लैंड जो अभी रिसेंटली परचेस की है। हयात होटल आपको दिखाई दे ही रहा होगा, मैंने काफ़ी तेज़ी से यहाँ मूवमेंट किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों की लोन से लेके कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको घर बैठे बैठे उसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा देगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।